Hey, what's up guys? Welcome back to my channel, Udit Vlogs. So guys, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जो कार का गियर शिफ्टिंग होती है वो बिल्कुल स्मूथली कैसे करें, ऐसे कि पीछे वाले पैसेंजर को पता ना चले कि आप गियर शिफ्ट कर रहे हैं। तो गाइज, प्रो ड्राइवर्स और जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं उनके सामने काफी ये प्रॉब्लम्स आती है, वो प्रॉपरली गियर शिफ्टिंग नहीं कर पाते और कार के अंदर जर्क फील करते हैं, या फिर जो पीछे पैसेंजर बैठे होते हैं प्रो ड्राइवर्स के साथ वो जर्क महसूस करते हैं कार के अंदर, और बाद में जाके ऐसी हैबिट के कारण गाइस क्या होता है, जो आपका गियर बॉक्स है उसमें भी मिस्टेक आने लग जाती है और गियर आपके हार्डली लगने लग जाते हैं। पहले न्यू कार में स्मूथली लगेंगे, हार्डली गियर शिफ्टिंग होने लगती है आपकी, सिर्फ आपकी इस बैड हैबिट के कारण। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं कि कैसे आपको स्मूथली गियर शिफ्टिंग करनी है और कौन कौन सी टिप्स ध्यान में रखनी है। तो गाइज, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मैं अभी प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, अभी अपनी कार को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज, मैंने अभी कार स्टार्ट कर ली है। तो गाइज, जो आपको आपने नोटिस किया होगा, जो प्रो ड्राइवर्स होंगे या फिर न्यू ड्राइवर्स होंगे, कि आपकी कार के अंदर ज्यादातर जो जर्क फील होता है वो फर्स्ट और सेकेंड गियर में होता है, क्योंकि गाइज सबसे बड़ी बात ही होती है। तो गाइज, प्रो ड्राइवर्स क्या करते हैं, जब फर्स्ट गियर अप्लाई करते हैं कार के अंदर क्लिच दबा के, तो जब क्लिच रिलीज करते हैं उसी टाइम जो एक्सीलेटर होता है, एक्सीलेटर पैडल से पैर हटाते नहीं है, उसी टाइम एक्सीलेटर पैडल को भी दबा के रखते हैं, जिससे कार जैसे ही आप क्लिच छोड़ते हो तो कार आपका एकदम से जर्क महसूस करती है और पीछे पैसेंजर को भी जर्क फील होता है। तो गाइज, करना क्या है, आपको कार क्लच दबा के फर्स्ट गियर में डाल के, और गाइस फर्स्ट और सेकंड गियर में इतनी पावर होती है बिल्कुल स्टेबल रोड पे कि आपकी कार ऑटोमेटिक आगे मूव करने लगेगी, आपको एक्सीलेटर दबाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतनी पावर होती है फर्स्ट और सेकंड गियर में कार के। तो गाइस, आपको करना क्या है, क्लच दबा के आपको फर्स्ट गियर डालना है और एक्सीलेटर पैडल पे बिल्कुल ही पैर नहीं रखना है, और क्लच को धीरे धीरे रिलीज करके फिर छोड़ देना है। तो गाइज, आप नोटिस करना, ऐसे आपको बिल्कुल भी जर्क फील नहीं होगा। तो गाइज, मैं वापस करके दिखाता हूँ। मैंने क्लिच दबा के फर्स्ट गियर में डाल दी कार और मेरा पैर एक्सीलेटर से बहुत दूर है। तो गाइज, अभी मैं सिर्फ क्लिच रिलीज कर रहा हूँ और वो भी धीरे धीरे, देखना गाइज, और ये मेरी कार स्मूथली आगे की तरफ मूव होने लगी, क्योंकि गाइज फर्स्ट गियर में और सेकंड गियर में इतनी पावर होती है कि कार स्टेबल रोड पे ऑटोमेटिक ही मूव करने लग जाती है। और ऐसे ही गाइज आपको, लेकिन सेकंड गियर में आपको थोड़ा सा एक्सीलेटर करना पड़ेगा, जैसे मैंने गाइज अभी सेकंड गियर डाला, तो आपको थोड़ा सा क्लिच छोड़ के फिर उसके बाद आपको एक्सीलेटर पैडल पे पैर रखना है, और इतना कॉम्बिनेशन बना के रखना है गाइज, आपको एक्सीलेटर मैच करना है आपकी क्लच के साथ और सेकंड गियर के साथ। कि काफी लोग क्या करते हैं, सेकंड गियर डालते हैं, पूरा जो एक्सीलेटर पैड होता है पूरा पुश कर देते हैं, जिसके कारण भी आपकी कार झटके मारती है। एंड गाइस, दूसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है आपको, जब भी आप क्लिच दबा के गियर लगाओ, तो जब फर्स्ट गियर लगाने के बाद जब क्लिच रिलीज करो, तो काफी लोग क्या करते हैं गाइस, ऐसे क्लिच रिलीज करते हैं, तो उसके कारण भी गाइस ऐसे आपको ना जर्क फील होगा। तो गाइस, आपको करना क्या है, फर्स्ट गियर में डाल के आपको क्लिच धीरे धीरे स्लोली स्लोली फिर रिलीज करनी है, ना कि क्लिच दबाया और ऐसे ऐसे नहीं करना गाइस, क्योंकि गाइस फर्स्ट एंड सेकंड गियर में आपको बहुत बड़ा जर्क महसूस फील होगा, लेकिन अगर थर्ड और फोर्थ फिफ्थ इन गियर में आपको अगर जल्दी भी क्लिच छोड़ दोगे ऐसे ऐसे फास्टली, तो इतना जर्क फील नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड गियर में आपको ध्यान रखना है, क्लिच दबाओ तो गियर लगा के जब क्लिच रिलीज करो तो स्मूथली आपको ऐसे रिलीज करनी है, ना कि आपको एकदम से करनी है। और गाइस, जो मेन बात थी कि आपको जो फर्स्ट एंड सेकंड गियर में आपको एक्सीलेटर पैडल से आपके पैर दूर रखना है जब जब आप अपनी कार के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड गियर डालो, क्योंकि गाइस काफी लोग क्या करते हैं, फर्स्ट क्लिच दबा के फर्स्ट गियर डाला और एक्सीलेटर भी पैर रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, क्लिच पूरी रिलीज करते नहीं, उससे पहले एक्सीलेटर दबा देते हैं, जिसके कारण क्या है, बहुत बड़ा जर्क फील होता है। तो गाइज, ये बैड हैबिट रहने वाली है। एंड गाइज, काफी जो प्रो ड्राइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फर्स्ट गियर में डालने के बाद कार को जब क्लिच रिलीज करते हैं और कार मूव करने लग जाती है, तो वो ब्रेक जो एक्सीलेटर पैडल होता है
वो उसको स्मूथली नहीं दबाते हैं, क्योंकि गाइस फर्स्ट एंड सेकंड गियर में जो आपका एक्सीलेटर पेडल है उसको भी आपको जो अपनी कार की जो फर्स्ट गियर में स्पीड होती है और सेकंड गियर में स्पीड होती है उस स्पीड से मैच करके आपको जो एक्सीलेटर पेडल है वो दबाना है। क्योंकि गाइस अगर आप की जो इंजन फर्स्ट गियर में जो इंजन की पावर होती है बहुत स्लो है, तो काफी गाइस क्या करते हैं प्रो ड्राइवर्स उसको एकदम से बहुत हार्डली प्रेस करते हैं, जिसके कारण एक्सीलेटर एकदम से होता है और फर्स्ट गियर में इतनी जो पावर होती है वो उसके कारण आपको जर्क फील होता है। तो गाइस करना क्या है, फर्स्ट गियर में डाल के जैसे आप क्लिच रिलीज करते हो और आपको थोड़ा स्पीड तेज करके और आपको सेकंड गियर में अपनी कार डालनी है, तो थोड़ा सा एक्सीलेटर बिल्कुल हल्का सा स्मूथली प्रेस करना है एक्सीलेटर पेडल की आपकी जो फर्स्ट गियर की जो स्पीड है इंजन की उससे मैच हो जाए। ऐसे नहीं कि गाइस एकदम से पूरा कर दो तो भी जर्क फील होगा, आपको आपकी जो कार के फर्स्ट गियर की स्पीड है उससे मैच करते हुए थोड़ा सा स्मूथली प्रेस करना है। उसके बाद सेकंड गियर लगा के फिर पूरा रिलीज होने के बाद क्लिच, उसके बाद आपको सेकंड गियर की जो स्पीड है उससे मैच करते हुए एक्सीलेटर पेडल को दबाना है। ऐसे नहीं बहुत जोर से दबाना है, बिल्कुल हल्के से। तो ऐसे क्या है गाइस आपकी स्पीड मैच हो जाएगी। एंड गाइस जब फोर्थ जब आप है ना फर्स्ट एंड सेकंड गियर लगा चुके होगे तो गाइस थर्ड गियर में आपको इतना क्लिच का कोई दिक्कत नहीं आएगा कि आप बिल्कुल स्लोली उसको रिलीज करो। आप थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ गियर में क्लिच थोड़ा फास्ट भी रिलीज कर सकते हैं। जैसे तब थर्ड गियर लगाना है मेरे को, थर्ड गियर मांग रही है मेरी कार, तो मैंने थर्ड गियर लगाया और क्लिच तुरंत छोड़ दी। ऐसे नहीं कि आपको फर्स्ट एंड सेकंड की तरह धीरे धीरे छोड़ना है, सिर्फ आपको स्लोली जो क्लिच रिलीज करनी है वो सिर्फ करनी है फर्स्ट एंड सेकंड गियर में। तो गाइज मैं वापस करके दिखाता हूँ वापस से। तो गाइज ये कार मेरी स्टेबल खड़ी है बिल्कुल और बिल्कुल प्लेन रोड है। तो गाइज मैं अब इसके अंदर फर्स्ट गियर डालूंगा और जो प्रो ड्राइवर्स क्या गलती करते हैं वो गलती करके दिखाऊंगा मैं। तो गाइज वो क्या करते हैं, फर्स्ट गियर में कार डाली और क्लिच दबा के रखते हैं और जो क्लिच रिलीज करते हैं बहुत फास्ट तरीके से करते हैं, जिसके कारण कार में कुछ ऐसा जर्क फील होगा। तो देखना गाइज मैं एकदम से क्लिच रिलीज करूंगा, या तो आपकी कार बंद हो जाएगी या देखो ऐसे। तो गाइज मेरी कार बंद हो चुकी है, मैं वापस से जो प्रॉपर स्मूथली गियर शिफ्टिंग होती है वो करके दिखाता हूँ मैं वापस से। ये स्टेबल रोड है बिल्कुल। अब मैंने कार को डाला फर्स्ट गियर में और मैं क्लिच धीरे धीरे रिलीज करूंगा, धीरे धीरे रिलीज करके और थोड़ा सा यानी कि एक्सीलेटर पैडल पे रखूंगा थोड़ा सा बिल्कुल, ताकि कार बिल्कुल ऐसे चले, बिल्कुल स्मूथ चल रही है, बिल्कुल जर्क फील नहीं हुआ। अब सेकंड गियर में क्या करना है गाइस, ऐसे ही बिल्कुल सेकंड गियर लगाया और क्लिच धीरे धीरे रिलीज करनी है और आपकी कार मूव होती रहेगी धीरे धीरे। और मैंने अभी कोई एक्सीलेटर पैड नहीं रखा क्योंकि बिल्कुल स्टेबल रोड है, तो आपको अगर थोड़ी मतलब चढ़ाई भी आ जाए तो एक्सीलेटर ऐसे मैच करना है, एक्सीलेटर की स्पीड ऐसे मैच करनी है आपके सेकंड गियर के बराबर। तो ऐसे करके गाइज आप प्रॉपरली गियर शिफ्टिंग कर पाओगे, इससे कोई भी जर्क नहीं लगेगा। अगर गाइज फर्स्ट गियर में डाल के आप क्लिच ऐसे रिलीज करोगे तो कार कुछ ऐसा जर्क फील होगा, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो गाइज बंद हो गई कार, अगर आप इस तरीके से रिलीज करोगे तो आपकी कार बंद हो जाएगी और या फिर जर्क लगेगा। तो आपको करना क्या है गाइज, फर्स्ट गियर में डाल के आपको क्लिच धीरे धीरे रिलीज करनी है और थोड़ा सा एक्सीलेटर में पैर रखना है। अभी थोड़ी मेरी चढ़ाई आ गई है तो इसलिए थोड़ा सा कार मूव करने लग गई है और मैं थोड़ा सा एक्सीलेटर में हल्का सा पैर दबाऊंगा। तो देखो गाइस कोई जर्क फील नहीं हुआ है, बिल्कुल स्मूथली ऐसे आपको फर्स्ट एंड सेकंड गियर में करना है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल पे ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।